लखनऊ से दिल्ली जा रही रोडवेज की बस आगरा में एक्सप्रेसवे पर झरना नाले की खाई में गिर गई। इस हादसे में 29 यात्रियों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। बस में तकरीबन 50 लोग सवार थे। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक बस इटावा से दिल्ली जा रही थी। आगरा हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए बस हादसे से आहत हूँ उन परिवारों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग तेजी से ठीक हो। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन आयुक्त, मंडल आयुक्त और आगरा के पुलिस महानिरीक्षक वाली एक समिति को 24 घंटे के भीतर घटना की जांच करने का आदेश दिया है। यह समिति दुर्घटना के कारणों को लेकर रिपोर्ट देगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की भी सिफारिश करेगी। घायलों को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 9 लोग ICU में भर्ती हैं। इनमें 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। 7 अन्य लोग हैं जिनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सभी घायलों का इलाज कृष्णा हॉस्पिटल में चल रहा है। लखनऊ से निकल करके आनंद विहार जो दिल्ली में जा रहे थे, उस समय ये मुझे लगता है कि गाड़ी स्पीड में भी था और ड्राइवर नींद में आ करके गाड़ी को मोड़ दिया गया है और यहाँ ऐतमापुर के पास जर्रा नाले में गिर चुका है। इससे बहुत बड़ा दुखद घटना हुई है कि करीब 29 डेथ हुई है अभी तक। उसमें एक बच्ची है 1.5 साल की है और एक लड़की 15-16 साल की है और करीब 27 पुरुष है। उसमें एक बच्ची है 1.5 साल की है और एक लड़की 15-16 साल की है और करीब 27 पुरुष है। तो कुल मिलाकर के 29 का डेथ हो गई है। करीब 18 लोगों को हमने अभी तक हॉस्पिटलाइज किया है। हॉस्पिटल में जितने लोग गए हुए हैं अभी उसका भी काउंट चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोग देख रहे हैं, चल ही रहा है। हम लोग सभी लोग तत्काल में पहुंच गए थे और SDM, ADM और मैं और कप्तान साहब हम लोग आ गए थे। अभी देख रहे हैं कि कोई भी और कोई बॉडी जो बस के नीचे है या इसका चेक कर रहे हैं। तो बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है ये स्पीड और नींद के वजह से हुआ है। अभी लेंगे क्योंकि जो हमारे पास जो सूचना है वो बीच में किसी को उन्होंने बिठाया है या नहीं बिठाया ड्राइवर ने, इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। तो पूरा जानकारी अभी थोड़ी देर में हमको मिल जाएगा तो उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जो बॉडी हमें मिला हुआ है उनको तत्काल में हमने मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो सामान है उन लोगों का उसको सुरक्षित तरीके से हम लोगों ने थाने में भेज दिया गया है और जो भी लोग उनके घर वाले आएंगे उनको उसको हैंडओवर किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट से बात की और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने भी 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। दुर्घटनाग्रस्त बस अवध डिपो की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रशासन को घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों की मदद करने का निर्देश भी दिया। आगरा के DM NG रवि ने बताया कि बस भीड़ में होगी और ड्राइवर के नींद में होने की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 1.5 साल की बच्ची, लगभग 15-16 साल की लड़की समेत 27 पुरुष शामिल हैं। DM ने बताया कि 18 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बस को जल्द से जल्द हटाया जाए जिससे पता चल सके कि नीचे और शव तो नहीं दबे हैं।